जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे और आपके अपने YouTube चैनल, Facebook चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वीकली राशि फल, यानी साप्ताहिक राशि फल की, जो कि रहेगा 19 सितंबर से लेकर और 25 सितंबर तक। 12 राशियों का क्या हाल होंगे, क्या ग्रह गोचर रहेंगे। तो इस सप्ताह कहीं ना कहीं सूर्य और बुध का कन्या राशि में बुध आदित्य योग बन रहा है, जो कि 12 राशियों पे अपनी शुभ कृपा बरसाने वाला है। यानी 12 राशियों को इस बुध आदित्य योग का कुछ ना कुछ इस सप्ताह फायदा होगा। अब क्या फायदा होगा, इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपसे आप बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गुरुजी, हमने आपको कॉल किया लेकिन आपने कॉल उठाया नहीं, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैं उन लोगों को हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि हमारा जो अभी जो फैमिली हो गई है वो 22 लाख से ऊपर की फैमिली YouTube और Facebook की हो गई है। बहुत सारे कॉल आते हैं, उतना कॉल उठाना हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसलिए आप लोग 7210124289 पे व्हाट्सएप करेंगे तो मेरे पे अति कृपा होगी। आप सबका जो कि जो व्यक्तिगत परेशानी है उसके जवाब तो ज़रूर दिए जाएंगे, लेकिन आप अगर व्हाट्सएप करेंगे तो मेरे पे अति कृपा होगी, क्योंकि इतने सारे लोगों को के लिए हमारे पास स्टाफ भी कम है और साथ ही साथ 22 लाख लोगों से ज़्यादा हमारी फैमिली हो चुकी है। चलिए आप बात करते हैं कि सूर्य देव और बुध देव जो एक साथ कॉम्बिनेशन में आने वाले हैं इस सप्ताह, यानी कन्या राशि में जो बुध आदित्य योग बनने वाला, वो 12 राशि को क्या फायदा देगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए आप बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए अगर हम बात करें तो मंगल जो है आपकी राशि में ही इस सप्ताह यानी 19 से 25 सितंबर तक विद्यमान रहेंगे, जो कि हल्की फुल्की ENT की प्रॉब्लम दे सकते हैं या हाथ पैरों में या बॉडी पेन की समस्या वृषभ राशि को इस सप्ताह रहने वाली है। साथ ही साथ शुक्र जो है चतुर्थ भाव में इस सप्ताह विराजमान रहेंगे, तो परिवार का कोई सदस्य आपको कोई अच्छी सी खुशखबरी दे सकता है या परिवार के किसी सदस्य के पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कोई ना कोई काम इस सप्ताह बन सकता है। पंचम भाव में सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी कि बुध आदित्य योग बन रहा है। यदि आपकी संतान है और बड़ी संतान है वृषभ राशि वाले, तो उनके करियर में, उनकी विद्या में, उनके कॉम्पिटिशन में या सरकारी एग्ज़ाम में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। बहुत बड़ी सूचना इस सप्ताह मिलेगी यदि आपकी बड़ी संतान है तो। और अगर छोटी संतान है तो छोटी संतान का घूमने फिरने के, नदी पहाड़ों की यात्रा में जाने के योग हैं, ये बुध आदित्य योग ये कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बड़ा अच्छा ये सप्ताह रहने वाला है। गवर्नमेंट से संबंधित, सरकारी इंस्टीट्यूट से संबंधित कोई शुभ काम आपका बन सकता है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो केतु आपके सिक्स हाउस में विराजमान है, यानी कि ये डेट नोट कर ले, 19, 20 और 21 सितंबर को वाहन पर खर्चा आ सकता है या ऑफिस जाते समय वाहन से आपको परेशानी हो सकती है। उसके बाद 22 से 25 की स्थिति बहुत बढ़िया है। शनि आपके नवम भाव में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं ये जो सप्ताह है आपके पिता को हाथ पैरों में दर्द की समस्या रह सकती है। साथ ही साथ राहु आपके द्वादश भाव में विराजमान है, तो वृषभ राशि वाले युवा बच्चे सुन ले, बुरी संगति इस सप्ताह नहीं करनी है, बुरे काम इस सप्ताह नहीं करने हैं, नहीं तो आपको थाने के चक्कर या आप बुरी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो इस सप्ताह बुरी चीज़ों को त्याग दें।